खबरों की दुनिया में मोहन भागवत का मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलना इस वक्त छाया हुआ है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों और इमामों से मिलने कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में महरूम मौलाना जलील इलियासी की मजार पर पहुंचे थे। भागवत ने उनकी मजार पर फूल चढ़ाया। भागवत लगभग एक घंटे मस्जिद में रुके और तमाम मुद्दों पर बातचीत की। वहीं इस मुलाकात के बाद अखिल भारतीय इमाम संघ के प्रमुख डॉक्टर इलियासी ने जो कुछ कहा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इमाम इलियासी का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इलियासी का मानना है कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं और वो देश के राष्ट्र ऋषि भी हैं। डॉक्टर इलियासी ने विस्तार से अपने बयान में कहा कि उनके मस्जिद आने से अच्छा संदेश जाएगा। हमारा पूजा करने का तरीका अलग है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मानवता है। हम देश को सर्वप्रथम मानते हैं। बता दें कि संघ प्रमुख दिल्ली स्थित कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एक मस्जिद पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद उत्तरी दिल्ली में स्थित ताजवीदुल कुरान मदरसे का भी उन्होंने दौरा किया। उनके साथ चल रहे संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि भागवत पहली बार किसी मदरसा गए हैं। वहीं आरएसएस के एक स्वयंसेवक ने बेहद ही अहम जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय इमाम संघ के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने मदरसे में बच्चों से बात करते हुए भागवत को राष्ट्रपिता बुलाकर संबोधित किया। हालांकि डॉक्टर उमर अहमद इलियासी, जो कि इमाम संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने बाद में बकायदा बयान भी दिया और वहां पर भी उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहकर संबोधित किया। चूंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। फिलहाल इमाम इलियासी ने जिस तरह से मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा, निश्चित तौर पर उस पर राजनीति होना तय है, लेकिन जिस तरह से संघ प्रमुख ने यह दौरा किया वो फिलहाल सुर्खियों में छाया हुआ है। बहरहाल आपको बता दें कि मोहन भागवत इमाम अहमद इलियासी के निमंत्रण पर यहाँ पर पहुंचे थे और ये जानकारी आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने दी है। इलियासी साहब है, उन्होंने बहुत दिन पहले पूजनीय सरसंघ चालक जी से मिलकर निमंत्रण दिया था। वो बहुत दिन से पेंडिंग था और इसीलिए उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वो उनसे मिलने गए थे। और ये संघ के पूजनीय सरसंघ चालक समाज जीवन के सभी प्रकार के लोगों से मिलते रहते हैं और एक संवाद की जो सामान्य प्रक्रिया सतत संघ के द्वारा चलती रहती है, उसी का एक हिस्सा है। गौरतलब है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से पिछले महीने मुलाकात की थी। इस दौरान हिंदू मुस्लिमों के बीच सौहार्द के लिए काम करने पर सहमति दोनों के बीच बनी थी, जिसके बाद आरएसएस ने हाल के दिनों में मुसलमानों से संपर्क बहुत ज्यादा बढ़ाया है और देश में चल रहे तमाम मुद्दों पर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। बहरहाल इस मुलाकात पर इमाम संघ के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर, ये मेरा पारिवारिक निमंत्रण था, उस पर उन्होंने स्वीकार किया, मुझे इसकी खुशी है। आज वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे परिवार से मिले और मिलने के बाद और हमें आपस में एक दूसरे के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने मामलात के साथ जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार रही। क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं हम सब, भारतीय हैं, आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है।